Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and engineering mechanics की last lecture में मैंने pressure पे बात किया था और वो मैं quantity बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं fluid mechanics नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं quantity बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि pressure कैसे एक scalar quantity है, because इस पर बहुत सारी confusion है लोगों को, है ना, इसकी concept पे कि pressure कैसे है, क्योंकि इसकी जो definition है उसमें force को हम लोग लेते हैं और confusion वहाँ पे create होता है कि force एक vector है तो pressure एक vector क्यों नहीं बन जाता है ना, क्योंकि हम लोग प्रेशर को स्केलर बोलते हैं. तो पिछली क्लास में मैंने ये बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने माइक यूज नहीं किया था पिछली क्लास में, इसके कारण से मैंने बीच में क्लास रोका. और क्योंकि शायद वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, और वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ वो मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा मैं देना चाहता हूँ, जो फील देना चाहता हूँ, ठीक है. और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, मैं इतना डिटेल में नहीं बताता प्रेशर को और ये एरिया को, बिकॉज ये नहीं समझोगे आप तो यही क्वांटिटी पूरी जगह आपको डील करना है. एरिया हर जगह आपको मिलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ोगे, अलग अलग जगह पे आपको प्रेशर डील करना है. इसलिए मैंने डिटेल में स्केलर वेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है. अभी हम लोग वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वेक्टर्स की प्रॉपर्टी तो हम लोग वैसे डील कर ली है, वेक्टर्स की ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. और वेक्टर की एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको नहीं बताई है और थोड़ा थोड़ा बताया भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ समझाया, क्योंकि आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो बचपन से, 12th class से 11th class से, वो आप पढ़ते हो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यू कैन से लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो और ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हो. तो मैंने मैग्नीट्यूड की बात की थी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको चाहिए, फॉलो करना चाहिए उस क्वांटिटी को. उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ आपको जोड़ी है और मैंने 2-3 class में यही रिवाइज किया है, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड रखेंगे. मैंने बोला कि पॉइंट पे भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, एक मैंने लास्ट में बताया था आपको, पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, जैसे वेलोसिटी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, फोर्स पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉइंट पे डिफाइन करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज पॉइंट पे डिफाइन हो रही है और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं कर रही है तो वेक्टर हो जाएगी. जैसे कि अगर पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो वेलोसिटी को, वेलोसिटी को अगर पॉइंट पे आप डिफाइन करते हो तो वो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर की फॉलो करती है. वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसकी एडिशन मीनिंगफुल होती है, ये भी फॉलो करना चाहिए. तो इसीलिए प्रेशर हम लोग पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, प्रेशर आपको पॉइंट पे भी डिफाइन किया जाता है, प्रेशर इन ए फ्लूड, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड, तो पॉइंट पे डिफाइन करते हो, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं बनती है, बिकॉज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर वो फॉलो नहीं करती है. जैसे अगर आंसर दे दूं तो प्रेशर हैज नो डायरेक्शन, प्रेशर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डायरेक्शन होना चाहिए, भले प्रेशर को पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो आप, लेकिन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, अदर प्रॉपर्टी वेक्टर की फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि डायरेक्शन नहीं है प्रेशर के पास, इसलिए हम उसको स्केलर बोलेंगे. तो यानी कि प्रॉपर्टी सारी फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट पे डिफाइन होती है वेक्टर और मैग्नीट्यूड ही ना हो, ऐसा तो कोई क्वांटिटी है नहीं. जैसे कि मैं बात करूं कार और कलर ऑफ ए कार, किसी कार की कलर, ये कौन सी क्वांटिटी है? अगर कार की कलर की बात करूं, कोई कार है उसकी कलर है, तो ये जो क्वांटिटी आप बोलोगे कि स्केलर है, बोलना मत, बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन नॉट कम अंडर आवर डिस्कशन. ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, जो कलर है कार की, वो स्केलर और वेक्टर के डिस्क्रिप्शन में नहीं आती, ठीक है. ये दिस इज वेरी मच आर्बिट्रेरी क्वांटिटी, है ना, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है कलर ऑफ ए कार, तो ये वेक्टर स्केलर के डिस्क्रिप्शन में नहीं आती है, ठीक है. तो ऐसी क्वांटिटी को आप डील नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है. तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्वांटिटी हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे वेक्टर स्केलर. तो ये ध्यान रखना कि जो मैंने बताई है हर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए, है ना, जो मैंने वेक्टर की बात की, स्केलर की बात की, ये ध्यान रखना पूरा, ठीक है. क्योंकि एक दो को देख के अगर बोलने की कोशिश करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है. मैंने बात की थी कि वेक्टर एडिशन मीनिंगफुल होना चाहिए, याद है, स्केलर की एडिशन एलजेब्रा वाली होती है, याद है, मैंने पिछली क्लास में बताया था. लास्ट में मैंने जब मैंने प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश की थी, क्या कहते हैं, करंट को डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो मैंने बताया था करंट एक क्रॉस एंड एरिया डिफाइन होता है, और बाकी वेक्टर की बात करोगे फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, ठीक है. तो वेक्टर्स डिफाइंड होते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर की, ठीक है. बाकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसकी एडिशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसके साथ पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है. तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फॉलो करता है कोई तो जाके हम लोग वेक्टर बोलते हैं. लेकिन आप लोअर क्लासेस में
पढ़ते हो कि वेक्टर के पास क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। बट मैंने और चीज़ आपको बता दी, क्योंकि अब आप ऊपर आ चुके हो, आपकी जो डिग्री चल रही है ये इंजीनियरिंग लेवल पे है और मे बी कुछ लोग एमटेक भी करेंगे, सारी चीजें इसमें आपको यूजफुल होगी। एक और प्रॉपर्टी है वेक्टर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे यूज करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए और नहीं तो आपको दिक्कत होती है, वो है चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन। चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन यही प्रॉपर्टी है वेक्टर की, जिससे आप बहुत सारा चीज बता भी सकते हो। वेक्टर को इनफैक्ट डिफाइंड और स्केलर को डिफाइंड इसी प्रॉपर्टी से भी कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ इस प्रॉपर्टी से। जो मैंने शुरुआत में आपको डेफिनेशन बताई है ना कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी स्केलर में वो मैग्नीट्यूड मोड ऑफ एक्स का मैंने एग्जांपल दिया था, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो ही स्केलर बोलेंगे, तो उस टाइप के डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए आपको कि इसका क्या आंसर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मोड ऑफ एक्स का मैंने दिखाया था पुराने पहले लेक्चर में, तो उसके लिए आपको चेंज ऑफ कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, जिसे वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अंडर रोटेशन। जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हो तो वेक्टर के कंपोनेंट चेंज कर जाते हैं और एक स्पेसिफिक वे में चेंज करते हैं, है ना, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उतना उससे डील नहीं करते हो, बट वो प्रॉपर्टी है ध्यान रखना। एक और मैंने जितनी बताई है उसके साथ ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, स्केलर को वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पिछली क्लास में आपको प्रेशर की बात की थी, क्योंकि वॉइस अच्छी नहीं की होगी तो मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या क्या बात करूंगा, पहले बता देता हूँ कि मैं क्या आगे हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर में, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, फोर्सेस की बैलेंस करना, मोमेंट का बैलेंस करना, वो इक्विलिब्रियम कर लोगे। उसके बाद हम लोग फिर फोर्स को ट्रांसमिट करेंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे और इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी काम आएगी और यहाँ पे मैकेनिक्स में भी आपको पढ़नी है, ठीक है। और साथ में आप ट्रस जब पढ़ोगे तो ट्रस में इक्विलिब्रियम की ही रोल है, तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ लेंगे, मोमेंट की बात कर लेंगे, कपल की बात कर लेंगे। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज नथिंग बट द टॉर्क, है ना, और एक स्पेशल टाइप ऑफ मोमेंट को बोलते हैं कपल, तो उसकी बात करते हुए हम लोग फिर एंट्री करेंगे, कहां हम लोग बात करेंगे ट्रस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग फोर्सेस वगैरह पढ़ते जाएंगे, इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते जाएंगे, उसके बाद ट्रस में जाके हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और वेक्टर की आपकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, बिकॉज इन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे आगे फोर्सेस वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग किसी सिस्टम पे वेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कंकरेंट सिस्टम है, कंकरेंट सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पे मीट करते हैं, कंकरेंट सिस्टम है ना, कंकरेंट फोर्सेस, तो उसके लिए आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी चाहिए। ट्रायंगल लॉ के यूज करोगे, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ से यूज हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी आपको जाननी जरूरी है तो आपको ईजी हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे वेक्टर में पहले बता दूं, उसके बाद आपको प्रेशर को एक फीलिंग दे दूं जो मैंने बताया था, और स्केलर प्रूफ कर दूं कि क्यों स्केलर है, क्योंकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे तो जल्दी लोग बताते नहीं, इस बात पे लोग जोर नहीं डालते हैं कि प्रेशर कैसे स्केलर है, क्योंकि मैं इस पे समझ चुका हूं कि लोगों को बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि पूछ लेगा प्रेशर बताइए, तो बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया, तो बोलेगा फोर्स तो वेक्टर है तो प्रेशर वेक्टर क्यों नहीं है, तो आप फंस जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए, और पता होगा तो जाके फ्लूइड मैकेनिक्स आप फील कर पाओगे, हाइड्रोलिक मशीन फील कर पाओगे, और इनफैक्ट प्रेशर तो बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, पता होना चाहिए स्केलर है कि वेक्टर है, तो जाको आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, मैकेनिक्स पढ़ने में और इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने में। तो क्या हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, अगर वेक्टर की बात कर लूं उसके बाद मैं प्रेशर बताता हूं, फिर सारा वेक्टर ही हम लोग पढ़ेंगे जो मैं लिख रहा हूं। वेक्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट्स वेक्टर दो अप्रोच है, ठीक है, दो अप्रोच, और दोनों अप्रोच की अपनी अपनी खासियत है। एक है ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच तब हम लोग बात करेंगे जब एक दो वेक्टर से डील करना हो, दो तीन वेक्टर से डील करना हो तो ग्राफिकल सही है, नहीं तो दूसरे अप्रोच पे जानी पड़ती है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ज्यादा वेक्टर अगर आपको डील करना हो तो, दो तीन चार पांच अगर डील करना हो वेक्टर तो आपको इस मेथड पे आना पड़ेगा। तो ग्राफिकल मेथड है और एक एलजेब्राइक मेथड है, मोर वेक्टर्स हो तब जाके आप एलजेब्राइक मेथड पे आते हो। ठीक है, ये दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, पहले ग्राफिकल मेथड वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में और फिर एलजेब्राइक मेथड। दोनों में अंतर क्या है, जब एक दो वेक्टर से डील कर रहे हो तो ग्राफिकल से काम हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा वेक्टर से डील करने लोगे, ये तीन चार वेक्टर से डील करने लगोगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एल्जेब्राइक मेथड से आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है।
ये अपना पहला रहेगा। उसके बाद, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ये स्पेशल केस है एडिशन का ही, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर की इक्वलिटी हमको पता होना चाहिए, हम लोग यूज करेंगे कहां पे, जब क्या कहते हैं, जब टॉर्क वगैरह के बात करेंगे, कपल की बात करूंगा तो इक्वलिटी वगैरह आपको काम आएगी, कैसे वेक्टर इक्वल होते हैं, तो इक्वलिटी आपको वहां पे काम आएगी। अलग अलग जगह पे आपको इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पता होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। एक जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर के फिजिकल, फिजिक्स में ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जीरो वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है, बट डायरेक्शन की बात करूं तो आप क्वेश्चन का आंसर करना कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो जीरो वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जीरो वेक्टर ऐसे शो करते हैं, तो ये अभी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर। जब हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, इसी के साथ में हम लोग, इसी के साथ में हम लोग वेक्टर स्केलिंग पढ़ेंगे। वेक्टर स्केलिंग क्यों पढ़ेंगे, वेक्टर स्केलिंग, क्योंकि जब आप वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्केलिंग समझ लोगे तो जाके आप वेक्टर फील्ड समझ पाओगे। और सीधा बोलूं तो फील्ड, फील्ड स्केलर फील्ड भी होते हैं, वेक्टर फील्ड भी होते हैं। फील्ड, फील्ड जल्दी लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन आप डील करते रहते हो, आप सुने होंगे आप क्वेश्चन में कि इस फोर्स फील्ड में ये पार्टिकल है, इस वेलोसिटी फील्ड में ये पार्टिकल है, तो मतलब क्या है फील्ड का, क्वेश्चन आपके गेट में हर जगह आते रहते हैं फील्ड के, ये फील्ड क्या है, तो ये फील्ड समझना आपको जरूरी है। तो हम लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्केलिंग के बाद फील्ड समझेंगे। वेक्टर स्केलिंग की बात करूं तो वेक्टर स्केलिंग वही चीज है जो आप पढ़ते हो ना, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन जो करते हो ना किसी वेक्टर का रियल नंबर से, वही एक तरीके से वेक्टर स्केलिंग हो जाती है। तो मैं उसको अलग से भी लिख देता हूं, क्योंकि आप इस टर्म से वाकिफ नहीं होगे, और ये टर्म भी लोग बताते नहीं है जल्दी, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में, तो इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग जगह पे आपको मिलेगी, फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, क्या है फील्ड, ये फील्ड समझोगे तो ही जाके ना फिर आप फोर्स फील्ड समझ पाओगे, वेलोसिटी फील्ड समझ पाओगे। बोलोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो बोलूंगा कि इस वेलोसिटी फील्ड में ये पार्टिकल है, यूलेरियन अप्रोच पढ़ाऊंगा, लैग्रेंजियन अप्रोच पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं ये सब फील्ड की बात करूंगा, तो पहले से ही फील्ड समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर वेक्टर के समझने के साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगी इजीली, ठीक है। तो वहां मुझे फील्ड वगैरह आपको अलग से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं फील्ड बताऊंगा तो मैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्केलिंग की बात करूंगा, बिना इसके तो फील्ड नहीं बता सकता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर किससे, विथ रियल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यू कैन से, निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, पॉजिटिव लैम्डा ले लो, लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर मान लो, किसी से भी कर सकते हो, सिंबल कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ पॉजिटिव रियल नंबर, ये बहुत सिंपल चीज है, किसी रियल नंबर से वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पॉजिटिव मैंने बोल दिया, निगेटिव लोगे तो फिर अलग चीज आ जाएगी, तो मैं उसी समय इसको निगेटिव करके भी दिखाऊंगा आपको, ये नोट करो, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के अंदर नहीं है ये, ग्राफिकल एल्जेब्रिक मेथड अलग से है टू रिप्रेजेंट वेक्टर। हम लोग उसके बाद वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर पढ़ोगे, उसके बाद वेक्टर स्केलिंग पढ़ोगे, जब वो पढ़ लोगे तो फील्ड पढ़ोगे, फील्ड वेक्टर फील्ड भी होते हैं, स्केलर फील्ड भी होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ पॉजिटिव रियल नंबर्स पढ़ोगे, विथ रियल नंबर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर को, ठीक है। ये नोट करो, ये वेक्टर में आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, बाकी ये चीजें तो है। वेक्टर एडिशन में आप लोग पैरेललोग्राम लो, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, ये नोट कर लो आप, ठीक है। अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर निकालोगे 10 में से 5 का, और 5 का निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इजी मिलने वाला नहीं है। इजी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपकी रैंक नीचे हो जाती है और फिर कुछ नहीं होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको उतना जानना जरूरी है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये सारी चीजें। वेक्टर एडिशन में
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी से सारा काम अपना हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ भी बताऊंगा, ताकि आप कभी वो ना हो कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जब आप 3, 4, 5 वेक्टर से डील करने लगते हो ना, तो फिर पॉलीगन बनानी पड़ जाती है। तो फिर पॉलीगन लॉ कुछ नहीं है, सब है, ट्रायंगल लॉ से ही सारा काम हो जाता है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ नहीं भी पढ़ रहे हो, ट्रायंगल से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना वेक्टर एडिशन में तीन, ये तीन पढ़ोगे, ठीक है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो है स्पेशल केस है वेक्टर एडिशन का ही। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे आप लोग पढ़ लेते हो कि दो वेक्टर अपोजिट साइड में है, मैं इसकी इफेक्ट भी बताऊंगा। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन उसका इफेक्ट सेम होगा, डिड नॉट बी सेम, कोई जो नहीं इफेक्ट सेम होगा। यहां आपको पढ़ना है ये चीजें, बाकी लोग तो पढ़ा ही देते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो कितना से काम नहीं चलेगा। आपको वो पता होना चाहिए जो फिजिकल उसका मतलब क्या निकल के आती है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का फिजिकल मीनिंग मैं पढ़ाऊंगा कि जीरो वेक्टर की यूज कहां करते हैं, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसी वेक्टर का, ए क्रॉस बी, अगर वो वेक्टर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, अगर पैरेलल है तो जीरो डिग्री होगा, साइन जीरो इज जीरो डिग्री। तो कोई वेक्टर को पैरेलल अगर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो जीरो वेक्टर आप यूज करते हो, तो इसीलिए यहां पे यूज कर सकते हो। बट बहुत ही लिटिल फिजिकल सिग्निफिकेंस है जीरो वेक्टर का, बट ये चीज आप ध्यान रखना कि पैरेलल अगर वेक्टर है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा ना, साइन थीटा जीरो हो जाएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, थीटा जीरो डिग्री पैरेलल वेक्टर के लिए, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। और जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, मानते हो ना, तो डायरेक्शन क्या है जीरो वेक्टर की, आप बताना मुझे डायरेक्शन क्या है जीरो वेक्टर का। मैग्नीट्यूड तो जीरो है, बट डायरेक्शन क्या है, ये चीजें आप नोट कर लो, ठीक है। ये सारा चीज मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लगभग 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 जो आपके क्वेश्चन आते हैं गेट में और सिविल सर्विसेज में, ईएससी में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और एक बचा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो, लगा सकते हो वेक्टर पे, तो एक ऑपरेशन की बात करूं तो आप पढ़ते हो ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से पढ़ते हो, दो तरीके से आप लोग पढ़ते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वो दो तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आप देखोगे तो इनर प्रोडक्ट भी लिखा मिलेगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब मैं बता दूंगा जब मैं टॉपिक पे आऊंगा। तो और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जो अभी मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपको पढ़ना है, और लेकिन क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को अगर डिफाइन कर रहे हो, अगर ऐसे आपने सुना होगा तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और इसकी बात करोगे वेक्टर, ये एक वे है, और भी वे है डिफाइन करने की, एक मेथड है, दूसरा मेथड भी है। अगर इसको बात करोगे क्रॉस प्रोडक्ट की, तो बेसिकली आप इस तरीके से जाते हो, ठीक है, साइन थीटा। तो क्वेश्चन ये है कि आप इस तरीके से ही वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया, और इस तरीके से ही क्रॉस प्रोडक्ट को क्यों डिफाइन कर रहे हो, क्यों? तो इसका आंसर वही मिलता है जहां पे वेक्टर की मैंने एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको बोली है ना, कि वेक्टर चेंज इट्स कंपोनेंट अंडर रोटेशन, अंडर रोटेशन वेक्टर अपने कंपोनेंट को चेंज करते हैं। वहां से आप इस बात को समझ सकते हो कि क्यों आप स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हो, और क्यों वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हो, क्यों नहीं अलग वैसे डिफाइन करते हो, और ये क्यों ऐसा आपने डेफिनेशन दिया है, इसकी मीनिंग आपको समझनी है। क्योंकि आमतौर पर लोग ये सब बताते नहीं है, डॉट प्रोडक्ट लिख लो, वेक्टर प्रोडक्ट लिख लो, ज्यादा ज्यादा लोग बोलेंगे कि फिजिकल मीनिंग समझ लो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लो, इधर टॉर्क बता देंगे, टॉर्क इधर बता देंगे, वर्क डन पावर वगैरह बता देंगे। बट मैं बोलता हूं कि और आगे पीछे जाके पूछो ना कि क्यों ऐसे डिफाइन किया आपने डॉट प्रोडक्ट को, क्यों ऐसे क्यों, और वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे क्यों डिफाइन किया,
उसका रीजन अगर समझना है तो आप ध्यान रखना, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको समझाई नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है, ठीक है, आप लोगों में क्वेश्चन उस तरीके से नहीं आते, अदरवाइज मैं बता देता, मैं अलग से कभी वीडियो बना के बता दूंगा, वो है वेक्टर चेंज इट्स कंपोनेंट अंडर रोटेशन, वेक्टर चेंज इट्स कंपोनेंट अंडर रोटेशन, ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर आप बता सकते हो कि क्यों आप ऐसे स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, क्यों आप वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हो, ये कारण है। मैंने कारण बता दिया, आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, आंसर आपको मिल जाएगी YouTube पे ही, मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, उसमें आपको एक प्रॉपर्टी नाम लिखाएगा और वेक्टर चेंज इट्स कंपोनेंट अंडर रोटेशन के नाम से मैं बनाऊंगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का रोटेशन मैं करूंगा और रोटेट करके मैं वेक्टर के कंपोनेंट चेंज करूंगा और एक स्पेसिफिक वे में चेंज होगी, और वहीं से एग्जैक्ट डेफिनेशन भी वेक्टर की निकल के आती है और एग्जैक्ट डेफिनेशन स्केलर की निकल के आती है, ठीक है, जो मैंने शुरुआत में मॉड ऑफ एक्स से प्रूफ करने की कोशिश की थी कि गलत है मॉड ऑफ एक्स से स्केलर के डेफिनेशन को, डायरेक्शन को मैंने बताया था वेक्टर में कि किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वीडियो देख रहे हो पुरानी लेक्चर से सब समझ जाएंगे क्या मैंने बताया था, तो उसको समझने के लिए मैंने बताया था दूसरी डायरेक्शन से मुझे बताना पड़ेगा आपको वेक्टर स्केलर, वही डायरेक्शन है एक प्रॉपर्टी बताना वेक्टर चेंज इट्स कंपोनेंट अंडर रोटेशन, वो जगह से आपको जाके समझ में आएगी कि क्या वेक्टर होते हैं क्या स्केलर होते हैं एक्चुअली और ये प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन क्यों किए जाते हैं, ठीक है, तो ये लिख लो, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं, वो आपको प्रेशर का समझा दूं, उसके बाद मैं वेक्टर का बेसिक चीज, इसके बाद सीधा क्वेश्चन लगाएंगे, यहां से आपको क्वेश्चन लगने लगेंगे इतने पढ़ने के बाद, सारे क्वेश्चन वेक्टर की प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा, साथ में कम्यूटेटिव क्या होती है वेक्टर एडिशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, आप लोग यूज नहीं करते हो, कम्यूटेटिव पढ़ ली, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इक्वलिटी की बात करता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट आप लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़ते हो, ठीक है, अप्लाई मैं करा दूं, एक क्वेश्चन आपको डाल दूं, अगर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, बट इट डजंट फॉलो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर वो पैरेललोग्राम लॉ अगर फॉलो नहीं कर रहा है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी के पास, डायरेक्शन भी है, बट पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ का मतलब ट्रायंगल लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल लॉ ही आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये मतलब है, फॉलो किया तो वेक्टर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो वेक्टर तो नहीं होगा, तो वो कौन सी क्वांटिटी आप बताएंगे मुझे कि उसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है बट पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं करता है, वो कौन सी क्वांटिटी है, और आपको हिंट कर दे रहा हूं इसका आंसर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वेक्टर की पढ़ते हो ना, कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहां से हिंट है, आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, जो आप लोग अभी तक सिर्फ मैथ ही देखते हो कि a प्लस बी बी प्लस ए हो गया, उसका फिजिकल मीनिंग यहां से निकल के आएगा, इस क्वांटिटी को समझना है तो आप बताएंगे कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन भी है बट पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं कर रही है तो वेक्टर तो नहीं होगी, तो वो क्वांटिटी का नाम क्या, वो कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर नहीं होगी, जो भी क्वांटिटी है वेक्टर नहीं है तो वो क्वांटिटी कौन है, उसका नाम जैसे प्रेशर, जैसे आप सुनते हो ना फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से ये क्वांटिटी क्या होगी, और जो भी होगी वेक्टर तो नहीं होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ फॉलो तो नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है बट पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो वेक्टर तो नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी का नाम क्या है आप ये बताएंगे, और हिंट मैंने दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप इसको सोचने की कोशिश करेंगे, वो क्वांटिटी को अगर सोचना है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपको सोचना पड़ेगा, हिंट मैंने दे दिया, अभी तक आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उसका कोई मीनिंग समझते नहीं हो, आपको पता चलेगा कि ऐसा ही कोई चीज नहीं डाल दिया जाता है, उसकी मीनिंग होती है, हर चीजों को यूज करना आना चाहिए, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो और मोमेंट और टॉर्क डिफाइन कर लेते हो, कभी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं पढ़े हो तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, और बहुत बड़ी दुनिया है वेक्टर की, अगर मैं वेक्टर दूसरे वे से पढ़ाने लगूं जो मैंने बताया है तो थ्री डायमेंशन में आप आमतौर पर लोग कहते हैं कि हाँ यही है, थ्री डायमेंशन में एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉची इनइक्वालिटी का नाम सुने, कॉची इनइक्वालिटी, आपने नाम भी नहीं सुना होगा कॉची इनइक्वालिटी का, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट और जब मल्टीप्लीकेशन पढ़ोगे ना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन जो बताया वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, उन्हीं में कहीं ये कॉची इनइक्वालिटी आती है, डॉट प्रोडक्ट में कहाँ आती है ये कॉसी, आपने सुना भी नहीं होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जैसे फील्ड में भी ये चीजें आपको मिलेंगी, कॉसी इनइक्वालिटी, तो वेक्टर की दुनिया बहुत बड़ी है, आप लोग उतना लेवल आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आते हैं नॉर्मली मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, और
जो आपको सब्जेक्ट को समझने में इजी हो जाए। जैसे मैंने फील्ड को बात की, तो फील्ड आपको क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं कि इस वेक्टर फील्ड में, इस वेलोसिटी फील्ड में ये पार्टिकल है, इस फोर्स फील्ड में ये बॉडी है, तो इसलिए फील्ड समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें भी हैं, बट आपको नहीं पढ़ना है, मैं वो सब चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, बट चीजें होती हैं, है बहुत चीजें। आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बट जितना मैंने लिखा है, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें वेक्टर की ये पढ़नी है। तो प्रेशर की मैंने बात की थी पिछली क्लास में, और प्रेशर समझो उसके बाद सारी चीजें, और पेशेंस रखना प्रेशर समझने के लिए नहीं, पूरे कोर्स के लिए। इंजीनियरिंग इतनी छोटी नहीं है। आप तो कॉलेज में क्या जाते हो, जाते हो ठीक है, याद है कॉलेज में गए, पूरी पूरी सुबह से लेकर शाम तक बीत गई, कितना पढ़े सबको पता है ना, क्या पढ़ाते हैं लोग, जो पढ़ाते हैं खुद ही कंफ्यूज है लोग, ठीक है, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो जब वहां इतना टाइम लगाने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आया, तो यहां मैं अगर टाइम आपको दे रहा हूं तो हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीखोगे, क्वेश्चंस भी सारा सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि अगर आप, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूं कुछ प्रॉपर्टी बता के, मैं ये कर सकता हूं कि आपको वेक्टर एडिशन समझा दूं, सब्सट्रैक्शन समझा दूं, पैरेललोग्राम लॉ समझा दूं, और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना लगू, आपको चार पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर एक मैंने क्वेश्चन अगर अच्छा सा बना के दे दिया, जो कि IIT के लोग करते हैं, गेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल, तो नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। और उसी से रैंक सब डिसाइड होती है, इसीलिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन आ जाए कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ऑप्शन में आ जाए, तो क्या दोगे, क्या दोगे, जो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या दोगे। कॉसी इनइक्वलिटी आ जाए, जो मैंने अभी लिखा है, ये तो कोई पढ़ाता भी नहीं है कॉसी इनइक्वलिटी, नॉर्मल बुक्स में भी नहीं है चीजें, ठीक है, बट डॉट प्रोडक्ट में आपको कॉसी इनइक्वलिटी की चीजें आ जाती है। क्या है कॉसी इनइक्वलिटी, क्या है फाइनाइट रोटेशन, क्या है फाइनाइट रोटेशन फॉर्मूला, है ना, ये चीज आप नहीं पढ़ते हो, वेक्टर में ही सारी चीजें हैं। बट ओके, कोई बात नहीं है, जो पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके सिलेबस में है, वही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, और जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट दुनिया बड़ी है बहुत, ठीक है, उस दुनिया से आप वाकिफ नहीं है, मैं वाकिफ हूं, और जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं पढ़ाऊं, मैं जनरल फिजिक्स लाके जरूर पढ़ाऊंगा उन चीजों को बाद में, अभी नहीं, ठीक, अभी तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इंजीनियरिंग की चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में है और जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। तो प्रेशर की मैंने बात की थी पिछली क्लास में, तो मैंने ये बताया था एक चीज कि एक सरफेस है, ठीक है, और यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है। मैंने बात की थी आपको प्रेशर की, कि प्रेशर कहां डिफाइन करोगे, फ्लूड में डिफाइन करोगे। फ्लूड में डिफाइन करोगे क्यों, क्योंकि प्रेशर की जो बेसिक डेफिनेशन है फ्लूड से आती है, ठीक है, फ्लूड से आती है, मतलब लिक्विड एंड गैस। फ्लूड में क्या इंक्लूड करते हो, लिक्विड एंड गैस। क्या फ्लूड होता है ये मैं फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, मैं उस जो लिमिटेशन है उसको पार नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझ लो, क्योंकि इतना जोर मैं वहां नहीं दे पाऊंगा जब मैं फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रेशर को समझाने के लिए मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी है स्केलर वेक्टर की, और आपने स्केलर वेक्टर की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ ली है, तो अभी अच्छे से समझ लोगे आप प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रेशर क्रिएट कैसे होते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी वॉइस अच्छी आ रही होगी तो फील करोगे, ठीक है, और मैं इसीलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि फीलिंग नहीं आएगी तो मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको समझाना, ठीक है, क्वेश्चन तो लग जाएगा लेकिन समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। इंटरव्यू में भी, बार के इंटरव्यू में जाओगे, इसरो के इंटरव्यू में जाओगे, अलग अलग इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और फिर हो जाओगे धराशाही, ठीक है, इसीलिए समझ जाओ और क्वेश्चन तो इजीली लग जाएंगे। तो प्रेशर कैसे क्रिएट होते हैं, तो प्रेशर क्रिएट्स होता है व्हेन द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक्स द सरफेस। जब मॉलिक्यूल्स, फ्लूड मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि फ्लूड में प्रेशर डिफाइन करने की बात कर रहे हो, काउंटर पार्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड इज नॉर्मल स्ट्रेस, यू नो दैट, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, बट लोग सॉलिड में भी इंटरचेंजेबली प्रेशर को यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट आप ध्यान रखोगे मैं जो क्या बता रहा हूं। तो प्रेशर क्रिएट्स, कैसे क्रिएट होता है प्रेशर, तो आप सीधा कोई बोले तो आप ये नहीं बोल देना, कोई आपसे पूछे बताओ प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो सर फोर्स अपॉन एरिया, अरे ये तो मैथमेटिकली है, आप जानते हो ना मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग फिजिक्स के समझने की कोशिश करते हैं, उन लॉ को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लॉ को, नेचर के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। बट प्रेशर के फील्ड में ऐसा है कि ये मैथमेटिकली डिफाइन की गई है प्रेशर को ऐसा, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कैसा फोर्स है, वो मैथमेटिकली डिफाइन की गई है। फिजिकली समझोगे प्रेशर को फ्लूड में जाके तो आपको कुछ अलग लगेगा, वहीं से आपको समझ में आएगी कि प्रेशर स्केलर क्यों है, जबकि प्रेशर को डिफाइन करते वक्त आप फोर्स का यूज कर रहे हो और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कुछ लोग कहेंगे कि फोर्स का कंपोनेंट है, देखो ज्यादा इधर उधर मत करो, कौन सी किताब पढ़ लिए हो, ठीक है, कहां से पढ़ लिए हो इतना, फोर्स, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स का कंपोनेंट है, एरिया एक वेक्टर है, कुछ ऐसे ऐसे लोग डिफाइन करते हैं, ये लगा देंगे ऐसा तीर, एरिया को वेक्टर मान लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे, हाँ, तो ऐसा हो गया, कुछ लोग पहले ऐसे करते हैं,
एरिया वेक्टर, वेक्टर 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 कट गया, बन गया स्केलर। ठीक है, एक यहां गलती है। दूसरी प्रॉब्लम कहां पे है लोगों की, दूसरी प्रॉब्लम है कि बोलेंगे इसको लो मॉड और ये है फोर्स, नहीं ये फोर्स का कंपोनेंट है। अरे भैया कहां से पढ़ लिए यार, कौन सी दुनिया से पढ़ के आए हो आप? ठीक है, ये फोर्स नहीं, फोर्स का कंपोनेंट है। जो ज्यादा ज्ञानी होगा कहेगा थ्रस्ट है। कंफ्यूज करते हो, पूरा बताना तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो प्रेशर को, सीधा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब बताइए। क्या जरूरी है नहीं पता है तो बताने की जबरदस्ती? ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसकी तो उसकी फीलिंग देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जब मैथमेटिकली डिफाइन करते हो तो लड़के जो होते हैं ना वो इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स एक वेक्टर है तो ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ। तो आप इधर से उधर घुमा के इसको बताने की कोशिश करोगे, ये बताइए उनको कि ये मैथमेटिकली है, फीलिंग एक्चुअली आपको फिजिकली लेनी है तो फ्लूइड में एंट्री करनी पड़ेगी। ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है और यू नो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये मैथमेटिकली है। ठीक है, ये फीलिंग आपको वेक्टर है कि स्केलर है प्रेशर, ये नहीं दे पाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं दे पाएगी आपको। अगर एक्चुअल फीलिंग लेनी है तो आपको फिजिकली सिस्टम में देखना पड़ेगा हो क्या रहा है, क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। आप जानते हो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वेक्टर की डायरेक्शन, वो प्रेशर फॉलो नहीं करता एक्चुअल फिजिकल सिस्टम में। जब फ्लूइड में आप देखते हो, यहां से तो आपको डायरेक्शन लग रहा है कि इसके पास फोर्स, फोर्स जब देखते हो तो कहोगे फोर्स तो वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, सब है, तो इसको भी वेक्टर बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअली फ्लूइड में देखते हो जाके तो वहां आपको क्या दिखता है, वहां पे दिखता है कि फ्लूइड में तो प्रेशर की डायरेक्शन ही नहीं है। तो फिजिकली चीजों को मानोगे कि मैथमेटिकली मानोगे, जो फिजिकली दिख रही है उसको मानोगे, ये मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन की गई है। यहां से आप प्रेशर को फील नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है। फीलिंग आपको लेनी है आपको, तो वो फिजिकली आपको फ्लूइड में एंट्री करके देखना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा कि वहां पे डायरेक्शन क्या है प्रेशर की किसी पॉइंट पे, तो आपको पता चलेगा नो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। वही मैं आपको बताने वाला, तो फिजिकली फील करना है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वी यूज मैथ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, टू टेक्स द लॉ ऑफ नेचर और उसको क्या करते हैं हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट कभी कभी मैथ से आप वो फीलिंग नहीं ले पाते हो, तो फिजिकली यहाँ पे आपको पता चल रहा है प्रेशर में, फ्लूड में एंट्री करके फ्लूड में, कि हाँ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है प्रेशर की, तो इसलिए वेक्टर नहीं है। ठीक है, और मैंने बताया था कि प्रेशर फ्लूड में डिफाइन करते हैं, काउंटर पार्ट ऑफ प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस है। तो क्या है प्रेशर, कैसे क्रिएट होगा, सीधा ऐसे मत बोल देना। प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप बोलना कि व्हेन द प्रेशर क्रिएट्स, व्हेन द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द सर्फेस, व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक द सर्फेस ड्यू टू दिस स्ट्राइकिंग there is change in momentum of the fluid particle, there is change in momentum of the fluid particle, because of this change in momentum a force is exerted on the surface which creates pressure, which creates pressure. तो जब molecule strike करेगी तो उसकी momentum change होगी, उसकी momentum जब change होगी तो due to change in momentum force exert होगी, किस पे, surface पे, वो जो force exert हो रही है surface पे वो create करेगा pressure। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स चाहिए और स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी मोमेंटम चेंज हो रही है, मोमेंटम चेंज होने के कारण फोर्स एग्जर्ट हो रही है सरफेस पे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम से क्या होती है आप जानते हो, डीपी बाई डी टी, आप जानते हो ना एक्चुअल जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वहां से डिफाइन किया जाता है डीपी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही आपको फोर्स मिलती है। यहां से आप एफ इक्वल टू एम ए लाते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बट एक्चुअली यही है। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम से फोर्स आ रही है, तो वही मैं बता रहा हूं, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उनकी मोमेंटम चेंज होगी, ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम ए फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द सरफेस विच क्रिएट्स प्रेशर। तो बात यह है कि मॉलिक्यूल होनी चाहिए, इफ देर इज नो मॉलिक्यूल्स देर इज नो प्रेशर, सच कंडीशन इज नोन एज जीरो प्रेशर कंडीशन। इस तरह की कंडीशन को जीरो प्रेशर कंडीशन बोलते हैं, जीरो प्रेशर कंडीशन, इफ देर इज नो मॉलिक्यूल्स देर इज नो प्रेशर। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मास, एग्जिस्टेंस ऑफ मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एग्जिस्टेंस तभी है जब तक एग्जिस्टेंस ऑफ मास है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, इफ देर इज नो मॉलिक्यूल देर इज नो प्रेशर, अगर मॉलिक्यूल नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि कौन फोर्स एग्जर्ट करेगा, और वो फोर्स एग्जर्ट होगी तभी पर यूनिट एरिया जाकर प्रेशर डिफाइन करते हो। लेकिन वो फोर्स कैसा होता है, वो फोर्स एक्सटर्नल है, वो फोर्स नॉर्मल भी है सरफेस पे, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ध्यान होगी, ऐसे फोर्स में डिफाइन कर देना, क्योंकि मैंने स्ट्रेस को भी डिफाइन किया था, उसमें कौन सा फोर्स लिया है, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट आपको सेम मिलती है, पास्कल पास्कल, लेकिन फोर्स जो स्ट्रेस की है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, इंटरनल बॉडी के अंदर सेटअप हो रही है, और जो प्रेशर की फोर्स है जो डिफाइन की हो वो एक्सटर्नल फोर्स है, और वो ऊपर से नॉर्मल भी है, सरफेस पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये बेसिक चीजें पता करोगे तो ही जाके, और ये मैथमेटिकली है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिकली समझना है कि प्रेशर क्या है। मैथमेटिक्स से आप यहाँ नहीं समझ सकते हो फोर्स को देख के, आप अगर फ्लूड में जाकर देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, मैं दिखाने वाला हूँ कि प्रेशर के पास डायरेक्शन ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स की छोड़ो, गोली मारो, जब प्रेशर के पास फिजिकली डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो आप कैसे वेक्टर बोल सकते हो। मैथमेटिक्स कुछ भी बोले, फिजिकल सिस्टम को ही आप रिप्रेजेंट करते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिक्स की रिप्रेजेंटेशन से आप प्रेशर को वेक्टर नहीं बोल पा रहे हो, स्केलर वेक्टर नहीं बोल पाओगे। फिजिकल सिस्टम से अगर आप मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश करोगे और प्रेशर को डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो नहीं बता पा रहे हो वहां पे कि ये वेक्टर क्यों नहीं है। जब फिजिक्स आप देखोगे फिजिकल सिस्टम में एक्चुअली देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ओ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है प्रेशर को, इसलिए हम बोलते हैं। तो फिजिकली हम लोग देख के बोलते हैं, एज कंपेयर टू कि आप मैथमेटिकली देख के बोल दो कि फोर्स वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। यहां से आप एक्चुअल मीनिंग प्रेशर की नहीं निकाल पाओगे। आप जानते हो कि लॉज, नेचर के लॉज जो भी हैं या फिजिकल सिस्टम को हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उन चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बट यहां पे आप यहां से इसको मत समझना प्रेशर को, आप फिजिकली देखो प्रेशर क्या हो रहा है, फ्लूड के अंदर कैसे डिफाइन हो रही है, तब वहां से आपको समझ में आएगा स्केलर क्यों है। तो ये मैंने दिखाया था कि अगर ये पार्टिकल है फ्लूड मॉलिक्यूल, मैंने बताया था ना कि प्रेशर की अगर बात करो तो प्रेशर वैसे तो फील नहीं होता है ना, कहाँ प्रेशर लग रही है, मुझे तो फील नहीं हो रही है। तो इसकी फीलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका एक कंपोनेंट, अगर ये जा रही है एक मॉलिक्यूल है, इस पे स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, ये सरफेस है, तो इसका एक कंपोनेंट अगर ऐसा है, एक कंपोनेंट अगर ऐसा है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको क्या है, प्रेस करेगा, इस पे प्रेस करेगा, इस सरफेस पे कंप्रेस करेगा, तो ये एक प्रेसिंग कंपोनेंट है ना, प्रेसिंग कंपोनेंट। और ये सरफेस क्या है, ये वाला क्या है, ये सरफेस पे, ये सरफेस है, तो ये सरफेस पे ऐसा है कुछ, टेंजेंट है, सियर है ना, एक तरीके से टेंजेंशियल है ये वाला, तो इसलिए प्रेसिंग तो नहीं है, ये तो प्रेस तो नहीं कर रहा है ना, ये प्रेस नहीं कर रहा है, तो ये वाली कंपोनेंट नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट। प्रेशर कौन सी कंपोनेंट देगी, प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेसिव होता है, हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, तो इसीलिए प्रेशर हमेशा आपको यही कंपोनेंट देगा, क्योंकि यही कंपोनेंट प्रेसिंग है, यही कंपोनेंट कॉम्प्रेसिव है, कंप्रेस कर रहा है सरफेस को, और प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ये कंपोनेंट आपको प्रेशर देगा। तो समझ में आ रहा है, हर कंपोनेंट आपको प्रेशर नहीं मिलने वाला है। ये जा रहा था ऐसे, इसके दो कंपोनेंट हुए, एक इधर जो 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल है सरफेस पे, और ऊपर से एक्सटर्नल है, ये जो कंपोनेंट होगी, ये कंपोनेंट आपको प्रेशर मिलेगा। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है, एक्सटर्नल है, ऊपर से नॉर्मल भी है, ठीक है, नॉर्मल जानते हो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और इसको क्या बोलते हो, और इसको बोलते हो एक्सटर्नल थ्रस्ट, है थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स जानते हो, थ्रस्ट यू नो, थ्रस्ट 90 डिग्री नॉर्मल पे ही बोले जाते हैं, थ्रस्ट एक्सटर्नल थ्रस्ट फोर्स बोलते हो, और इसको प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं, ये जीरो प्रेशर कंडीशन मैंने समझाया था, ठीक है, और इसको प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं, प्रेशर फोर्स, ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर फोर्स, इस फोर्स को ही बता रहा हूं, क्योंकि ये फोर्स क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, प्रेसिंग कंपोनेंट है ना, और इसको क्या बोलते हो, कंप्रेसिव फोर्स भी बोलते हो, क्योंकि प्रेशर का ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर होता है, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल थ्रस्ट और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, इज नोन एज प्रेशर, ठीक है, ये है एक्चुअल डेफिनेशन। जितने में मैं ये यूज कर सकता हूँ मैंने यूज कर लिया, और कैसे, यहाँ पे एक मैंने पिछली क्लास में आपको वो बताया था कि एरिया कैसा यूज कर सकते हो, एरिया रियल भी, एरिया भी हो सकता है, रियल एरिया, इमेजिनरी एरिया भी हो सकता है, रियल एरिया भी हो सकता है, दोनों एरिया पे आप प्रेशर डिफाइन कर लेते हो, उसमें एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हटा दो, ये लोगों का डेफिनेशन है, ये तो लगाना ही मत, मैंने एरिया को तो वेक्टर बोला भी नहीं है, ये लोगों का है ना, लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ अजूबा है ये एरिया, जिसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है स्केलर, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया इसके ऊपर टाइम, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्केलर क्यों है, क्योंकि एरिया का जो एडिशन होता है वो नॉर्मल एलजेब्रिक एडिशन होता है, और स्केलर की एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि स्केलर की एडिशन एलजेब्रिक वाली होती है, अर्थमेटिक होती है, इसलिए एरिया एक स्केलर है, क्योंकि एरिया की एडिशन जो है स्केलर वाली है,
अलजेब्राइक एडिशन है। मैंने क्यूब का एग्जांपल दिया था कि एक क्यूब का सरफेस एरिया ए है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a होगा। तो आपने 6a कैसे निकाला, 6 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया ए है तो टोटल सरफेस एरिया 6a हो गया। नॉर्मली आपने अलजेब्रा के हिसाब से ऐड कर दिया, ए ए ए ए ए 6 टाइम 6a हो गया। तो ये अलजेब्रा वाली एडिशन वेक्टर में ही फॉलो नहीं की जाती है, स्केलर में फॉलो होती है, इसलिए एरिया के स्केलर है, क्योंकि फॉलो कैसी प्रॉपर्टी कर रहा है, स्केलर वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है एरिया। एरिया वेक्टर अलग होता है, मैंने बताया था। एरिया वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप उस एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एरिया का यूज किए हो। क्या यूज किए हो, टोटल सरफेस एरिया आपने मैग्नीट्यूड ले लिया उसका, और जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द एरिया, इसके यूज करके आपने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया है जो वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि एरिया का यूज किया है इसलिए उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो वो एक वेक्टर है एरिया वेक्टर, बट एरिया वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। अब मैंने पिछले क्लास आपको बताया था, फीलिंग समझ लो, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं ये चीजें जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं जल्दी जल्दी भाग सकता हूं, ये चीज समझने वाली है, ठीक है। जहां समझाने की बात होती है वहां कोई समझाता नहीं है, और जहां क्वेश्चन लगाना है वहां इधर उधर से कर करके आपको क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं, ठीक है। जब बेसिक क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट वाले तो आप नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए क्वेश्चन आप बेसिक चीजें समझ लो, ठीक है। और ये स्केलर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों के भ्रम है कि ये स्केलर कैसे है प्रेशर। तो ये देखो, ये एक सरफेस है, कैसा सरफेस है, रियल है ये भाई, इस कंटेनर में आपने पानी को रखा, ये एक रियल सरफेस है, ठीक है। एरिया कोई सरफेस है, अगर कोई सरफेस है तो उसका एरिया होता है, एरिया किसका होता है, सरफेस का ही होता है, तो एक रियल एरिया भी है ये, ठीक है। और अगर प्रेशर को डिफाइन करना है तो यहां से भी आप डिफाइन करोगे प्रेशर को, तो बोलोगे कि ये फ्लूड के कारण एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इस पे, इस सरफेस पे, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स कैसा होना चाहिए, सरफेस पे तो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन दैट फोर्स इज एक्सटर्नल आल्सो, मैंने डिफाइन किया है फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल नॉर्मल, तो ये नॉर्मल तो होना चाहिए, बट नॉर्मल तो है 90 डिग्री देख रहे हो, परपेंडिकुलर है सरफेस पे, बट दैट फोर्स इज एक्सटर्नल आल्सो, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए प्रेशर के लिए, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा डिमार्केशन है, दो चीज ध्यान रखना, ये फोर्स एक्सटर्नल भी होगा और नॉर्मल भी होगा सरफेस पे, और एक्सटर्नल भी है, यही चीज आप यहाँ पे इमेजिनरी एरिया लेके भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इमेजिनरी भी लोगे तो भी आप एरिया को डिफाइन कर सकते हो, ऐसे ले लो या इमेजिनरी है ऐसे ले लो, कहीं से भी आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो, अगर ये वाला एरिया ले रहे हो तो आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो, तो इमेजिनरी एरिया पे भी आप डिफाइन कर सकते हो प्रेशर, ये जो एरिया है, रियल एरिया पे मैंने दिखाया, इमेजिनरी पे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी ले सकते हो, ऐसे ले लो तो ऐसे ऐसे लगेगा नॉर्मल फोर्स, और वो एक्सटर्नल होगा आपको पता है, और या तो ऐसे ले लो एरिया इमेजिनरी तो ऐसे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा लो, कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, वो एरिया इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल एरिया भी हो सकती है, और उस एरिया पे जो फोर्स है वो नॉर्मल होगा और एक्सटर्नल भी होगा साथ के साथ, ठीक है, दोनों याद रखना, एक्सटर्नल भी होगा फोर्स जो यहाँ पे है प्रेशर में, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। और ये मैथमेटिकली हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फिजिकली फीलिंग स्केलर वेक्टर की लेनी है तो अब आ रही है कि वो स्केलर वेक्टर कैसे है, स्केलर है तो क्यों है, ये मैथमेटिकली है, मैथमेटिक्स से आपको फोर्स समझ में आएगी, कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल है नॉर्मल है, ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। और इंटरनल फोर्सेस मैंने बात की थी कि कहां इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस दे लुक सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट क्वांटिटी आल्सो, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, है ना। टेंसर किस टाइप की टेंसर है, सेकंड ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, अब जीरो ऑर्डर का टेंसर तो जानते हो ना, कि स्केलर को भी टेंसर के फॉर्म में बोल देते हैं, कि जीरो ऑर्डर टेंसर कौन है, स्केलर है कि वेक्टर है, जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ये टेंसर की बात मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करूंगा, वहां पे टेंसर के कंपोनेंट मुझे बताने पड़ेंगे, है ना, तो वहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा, बट स्ट्रेस स्ट्रेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारे टेंसर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं टेंसर की बात करूंगा, बताना ही पड़ेगा, IIT JEE की क्लास होती तो मैं नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत उत्सुक होते हैं लोग इसको जानने के लिए, क्योंकि स्केलर जान गए वेक्टर जान गए तो 2-4-5-6 मिनट में अगर टेंसर जान सकते हैं थोड़ी बहुत तो क्यों ना जान ले, ठीक है। लेकिन इसको टेंसर को बताना इतना इजी नहीं है लोगों के लिए कि बस बता दो, टेंसर क्वांटिटी में है दम है, उसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि समझा पाए तब तो अच्छे से, दिक्कत ये है, ठीक है, क्योंकि स्केलर वेक्टर में मैंने देख लो क्या बताया, अभी भी मैंने छोड़ के रखा है स्केलर वेक्टर की क्वालिटी, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी मैंने छोड़ के रखा है, सोचो कितना है बताने को, ठीक है। वेक्टर हैज चेंज कंपोनेंट्स अंडर रोटेशन, वेक्टर चेंज कंपोनेंट्स अंडर रोटेशन, रोटेशन के अंदर वेक्टर अपने कंपोनेंट को चेंज करते हैं इधर विद ए स्पेसिफिक मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है,
नहीं बताया अभी तक मैंने आपको, तो है बहुत सारी चीजें, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। प्रेशर, अब मैंने क्या बोला कि आपको प्रेशर डिफाइन करने के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्यों लिया, एक्सटर्नल इसलिए लिया क्योंकि अगर आपको समझना है कि इंटरनल कहाँ लेते हैं तो ये देखिए, ये एक बार है, बार मतलब मेटल का बार है ये, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में आ गए तो प्रिज्मेटिक बार की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मैं सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में बात करूंगा सोम में। अभी आप ये देखें कि अगर इस पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, हल्का समय बता दे रहा हूं क्योंकि फीलिंग आ जाएगी। फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में देखोगे तो पी से दिखाते हैं, ठीक है, हमेशा ज्यादातर, बट यहां पे मैं एफ से ही दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करो प्रेशर से, ठीक है, बट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल हम लोग पी से दिखाते हैं, वहां पे मैं पी से ही दिखाऊंगा, ठीक है, पी से हम लोग डील करते हैं वहां पे। और क्या करना है, अगर इसमें फोर्स लगा तो मैंने बहुत समझाया पिछली क्लास में कि क्या होगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जहां सिचुएटेड हैं जिस डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस चेंज होगी, है ना, तो डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन को बॉडी रजिस्ट तो करेगी, ऐसा तो है नहीं कि बस खींच रहे हो तो खींच जाएगी, रजिस्ट करेगी, वो रजिस्ट करेगी बॉडी, और रजिस्ट करेगी तो आप देखना चाहते हो कि रजिस्ट कर रही है तो कैसे कर रही है, तो आप कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन काटो। क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहे हो, एक सेक्शन आपने लिया परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये एक बार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मैं ज्यादा नहीं बता रहा आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल आपको समझाऊंगा सब कुछ, ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बार की, इसके परपेंडिकुलर आपने एक सेक्शन काटा, दैट्स वाई कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अलोंग द लेंथ एक एक्सिस है बार के अलोंग, और उसके परपेंडिकुलर आपने क्रॉस सेक्शन काटा, इस बार को काट के देखना चाहते हो कि किस तरीके की ये रजिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मेशन को जो रजिस्ट कर रही है, क्योंकि ये आपने खींचा है तो इसके मटेरियल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे ना, डिफॉर्म हो गया ना, इनकी डिस्टेंस चेंज होगी अंदर की, उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगी। मैंने पिछली क्लास में बहुत इन्वेस्ट किया एनर्जी, तो आप समझ सकते हो मैंने क्या बताया था। तो ये क्रॉस सेक्शन हम लोग काट के एक सेक्शन काटेंगे, इस सेक्शन को क्रॉस सेक्शन क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये सेक्शन जो है वो 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार, उससे 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे तो फीलिंग ये आएगी कि यहां पे एक फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है, ये इमेजिनरी, काट के देखोगे तो पता नहीं चलेगा, बस आप इतना समझो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में पूरी फीलिंग दूंगा मैं, यहां पे एक बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होगा, इंटरनल, और क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मैंने बात की थी, ये बॉडी कहीं मूव तो कर नहीं रही है ना, कि आपने फोर्स लगाया तो घूम के चली गई वहां, ये बॉडी फिक्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट मोमेंट ऑन द बॉडी इज जीरो, और ऑल्सो ऑन द सब सिस्टम, इस बॉडी के सब सिस्टम पे भी जीरो है, ठीक है, आप सब सिस्टम नहीं देखते हो नॉर्मली, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लोग बताते नहीं सब सिस्टम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो चाहे फिजिक्स का कोई पोर्शन हो, फिजिक्स में भी अगर पढ़ रहे हो बच्चे जो 11th क्लास के पढ़ते हैं, सब सिस्टम में भी आपको कंडीशन को वैलिड करानी पड़ती है, नेट फोर्स जीरो और नेट मोमेंट जीरो, बट आप नॉर्मली मान लो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो एंड नेट मोमेंट इज ऑल्सो जीरो, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जैसे है वैसे रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक है, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, तब मैं बात कर रहा हूँ, ये मूव नहीं करने वाली, फोर्स लगाया तो ऐसा नहीं कि दौड़ के वहां भग गई बॉडी, वहीं पे है सेम। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स बॉडी के अंदर क्रिएट होगी ना रजिस्ट करने के लिए, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्रिएट होगी, और रजिस्ट कितना करेगी डिपेंड करता है कि इसकी बॉन्डिंग कैसी है, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना कम इसकी डिफॉर्मेशन होगी, जितना कमजोर बॉन्डिंग होगी तो डिफॉर्म ज्यादा हो जाएगी, तो रजिस्ट तो करेगा बॉडी, ठीक है, रजिस्ट नहीं करेगा तो उखड़ के निकल जाएगी बॉडी, ठीक है, तो रजिस्ट करेगी, वो रजिस्ट इंटरनल हो रही है, तो ये इंटरनल बोल रहा हूं मैं, इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो रही है, इंटरनल, तो आप क्या बोले, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाइक एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क, लोड, मोमेंट, कुछ भी हो सकता है, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ए रजिस्टिव फोर्स सेटअप इनसाइड द बॉडी, ए रजिस्टिव फोर्स सेटअप इनसाइड द बॉडी, ठीक है, दैट रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, और भी चीजें ऐड होती हैं स्ट्रेस के डेफिनेशन में, अभी आप इतना याद रखेंगे, ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया कि इंटरनल फोर्स आप लेते हो, तो स्ट्रेस को ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल है, और फोर्स आप इंटरनल लोगे और पर यूनिट एरिया, तो आपको लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल तो यही लग रही है जो प्रेशर में आपने डिफाइन किया, लेकिन अंतर है ना, ये फोर्स इंटरनल है, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जो रजिस्ट कर रही है उस फोर्स को, वो फोर्स आपने यहां लिया है, अंतर है प्रेशर की फोर्स में और इसकी, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स थी, स्ट्रेस में इंटरनल है, इसीलिए प्रेशर एंड स्ट्रेस दे लुक सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट, तो क्यों डिफरेंट है, फोर्स आपने देख लिया क्यों डिफरेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि लोग ये सब बताते नहीं है, बस
स्टार्ट हो जाते हैं और प्रेस स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, मैं इसकी बात स्ट्रेंथोमेट्रियल में करूंगा। तो आपको पता चल गया पूरे अच्छे से कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कौन सा फोर्स है आपने ले लिया, ये फोर्स उसमें एक्सटर्नल है, नॉर्मल है प्रेशर में, यहाँ पे इंटरनल फोर्स है और जाहिर सी बात है इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, ठीक है फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू इसके बराबर ही होगी तभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा ना, ये इंटरनल फोर्स इस फोर्स के बराबर ही होगी, अगर ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स कहीं आ जाएगी, बॉडी मूव कर जाएगी, तो नेट फोर्स जीरो आपने बोला है ना, तो ये फोर्स एक्चुअली इक्वल होंगी, दोनों बराबर होंगी, तभी जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी, है ना, नेट फोर्स जीरो वाली और बॉडी रेस्ट में रहेगी, और ये रेस्ट में हमने माना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में माना है बॉडी को, इस बार को, इस मेटालिक बार को जो कि प्रिज्मेटिक बार के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मैंने दिखाया भी है, स्टेंथोमेट्रियल में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं आखिर जब पहुंचूंगा वहां पे तो अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी स्ट्रेस की डेफिनेशन में सिर्फ आपको ये दिखाया है कि कौन सा फोर्स लेते हैं, अभी स्ट्रेस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें और भी चीज आपको जानना है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी है तो प्लेन वगैरह की बात करूंगा मैं, प्लेन चाहिए डिफाइन करने के लिए स्ट्रेस, ऐसे नहीं होती है, और भी चीज चाहिए, प्लेन पे डिफाइन करना पड़ता है, ये प्लेन से चेंज कर जाती है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में स्ट्रेस चेंज कर जाती है, इसीलिए प्लेन भी चाहिए, तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफाइन करूंगा, आप लोग सुन नॉर्मल बुक्स में तो रहती भी नहीं, अच्छी अच्छी बुक्स में ये सब चीजें बताई नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, प्लेन चाहिए, तो जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे तब आपको समझ में आएगी कि स्ट्रेस क्या है, ठीक है, और उसके बाद आपको पता चलेगी कि कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, और स्ट्रेस का कारण स्ट्रेन होता है, जब तक बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगी नहीं तब तक रेजिस्ट कैसे करेगा, तो स्ट्रेन होगी मतलब कि बॉडी के एटम्स के और मॉलिक्यूल के डिस्टेंस चेंज होगी, जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगी उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स सेटअप होगा और स्ट्रेस आ जाएगी, लेकिन पहले तो स्ट्रेन आया ना, क्योंकि पहले तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है, फोर्स लगाया आपने बाहर से, मॉलिक्यूल्स की डिस्टॉर्शन हुई, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टॉर्शन मत बोलो, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेस हुए, जैसे डिस्प्लेस हुए स्ट्रेन आ जाएगा, बिकॉज स्ट्रेन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो ये स्ट्रेन आता है पहले और उस स्ट्रेन के चक्कर में स्ट्रेस आती है, तो स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा आपको कहां पे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में, ठीक है। अब देखो, अब प्रेशर को मैं डिफाइन कर दूं, सब कुछ समझा दिया, क्योंकि डायरेक्ट ये समझाता तो फिर कंफ्यूजन में रहते, मैंने मैथमेटिकली समझाया, अब फिजिकली सिस्टम में समझो क्या होता है, यही से आप बोलोगे कि प्रेशर स्केलर है फिजिकली, तो फिजिकली अगर बात करो, एक वेजल ले रहा हूं, एक कंटेनर ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया कि एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन जानते हो ना, पिस्टन सिलेंडर आपने सुना होगा, आइस इंजन में पढ़ाऊंगा सारा, ये पिस्टन लगाया और इस पे फोर्स लगाया मैंने एफ पिस्टन पे, और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, ठीक है, तो प्रेशर अगर नॉर्मली यहां से डिफाइन करो तो क्या होगा, ये फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, ये फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ये नॉर्मली डिफाइन कर दिए, और इसके अंदर क्या है, एक फ्लूड भरा हुआ है इस वेसल के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है फ्लूड में, वाटर लिक्विड का अगर ले रहे हो तो वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी भर दो, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं यहां पे पास्कल्स के लॉ की यूज करूंगी, क्योंकि पास्कल्स के लॉ चाहिए, ये फ्लूड कैसा है, स्टैटिक है, रेस्ट में है, भाई वेजल में रखे हो तो मूव तो कर नहीं रहा है ना, यहीं पे है ना, बाल्टी में जैसे पानी रख देते हैं ना, बाल्टी में छोड़ दोगे तो क्या पानी बह जाती है, नहीं ऐसे ही रहेगा इसमें भी, जैसे बाल्टी में छोड़ दो रख के पानी, तो यहां पे भी स्टैटिक ही है, ठीक है। अगर पास्कल्स की लॉ की बात करूं तो पास्कल के लॉ में मैंने बताया, तो पास्कल की जो लॉ है, पहले बार ध्यान रखना, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी बात करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, पास्कल के लॉ जब बात करोगे, नॉर्मली आप बुक में नहीं देखते सब चीजें लिखा होगा, बट इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे, मैं डिफाइन कर रहा हूं, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज्यूम करते हैं कि नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इसलिए है कि हमारी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी ग्रेविटी, हम ऐसा मान के चलते हैं, ये ग्रेविटी के इंपैक्ट को हम लोग उतना सिग्निफिकेंट हमारे सिचुएशन में नहीं आएगी ऐसा मानते हैं, और तब हम बोलते हैं कि एज्यूम करते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं पास्कल्स के लॉ में, तो इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी मैं यहां बता रहा हूं पास्कल के लॉ से मैं यहां प्रूव करूंगा कि प्रेशर स्केलर कैसे है, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर, प्रेशर की बात कर रहा हूं, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर इज एवरीवेयर इन दिस वेसल इज सेम, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर इज एवरीवेयर इन दिस वेसल इज सेम, इन दिस वेसल इज सेम, दैट इज नोन एज पास्कल्स लॉ, समझ में,
in the absence of gravity, because we assume that gravity has doesn't impact और उतना significant impact हमारे सिस्टम पे नहीं डाल पाएगी, तो ये हम assume करके चले हुए, जो मैंने आपको बताया कि gravity की impact क्या होगी, उतना नहीं होगी, ठीक है? तो I assume that effect of gravity doesn't change the situation very significantly. ऐसा हम लोग मांग के चल रहे हैं कि हमारी situation को उतना significant impact gravity नहीं डालेगी, इसलिए मैं define कर रहा हूँ, in the absence of gravity, the pressure is everywhere in this vessel. Pressure is everywhere in this vessel is same, that is known as Pascal's law. ठीक है, और कैसा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द, और समझो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, आपने फोर्स लगाया ना, तो ये फोर्स इस पे, ये प्रेशर ट्रांसफर होगा ना, जो प्रेशर आपने डिफाइन किया, प्रेशर ट्रांसफर होगी, और प्रेशर हर जगह हर फ्लूड के मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफर होगी, और सिर्फ फ्लूड मॉलिक्यूल्स पे नहीं, वॉल पे भी, इस वॉल पे भी ट्रांसफर होगी, और इक्वल मैग्नीट्यूड की ट्रांसफर होगी, जो यहां से प्रेशर चलेगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी पूरा यहां तक, पूरे फ्लूड में कहीं भी और वॉल पे भी, इस वॉल पे भी प्रेशर की मैग्नीट्यूड यहां से अगर चली तो वो सेम मैग्नीट्यूड यहां तक पहुंचेगी, उसमें कभी भी ह्रास लॉस नहीं होने वाला, ठीक है? तो वही मैं आपको बताने वाला हूं, क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लूड इज ट्रांसमिटेड अनडेमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूड एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर. मैंने जो बताया कि undiminished मतलब कि without change in magnitude, magnitude का कोई loss नहीं हो रहा है, pressure पूरा का पूरा same transfer हो रहा है, पूरे fluid में भी, हर point पे और wall पे भी, इस wall पे भी, ठीक है? Same magnitude का transfer हुआ यहाँ से. तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि pressure applied to an enclosed fluid, pressure applied, एक fluid enclosed है ना, ये एक enclosed fluid है ना, ये fluid यहीं पे भरा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, तो enclosed है इस vessel में. Pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point in the fluid or also on the wall of the container. ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? और प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन. क्यों नहीं है डायरेक्शन, आप समझने की कोशिश करो. क्योंकि फोर्स जो एग्जर्ट कर रही है फ्लूड यहां पे, जो फोर्स एग्जर्ट करेगी फ्लूड, जो फ्लूड पार्टिकल है मॉलिक्यूल से, अगर जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है, वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एवरीवेयर एनीवेयर एंड ऑल्सो ऑन द वॉल, वॉल पे भी परपेंडिकुलर होगी. तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल एवरीवेयर इन दिस फ्लूड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, हमेशा परपेंडिकुलर. क्यों? अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं हुई तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगी. अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गई तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जब फ्लूड पे लगती है तो फ्लूड बोलता है कि मैं तो रेस्ट में नहीं रहूंगा, मैं तो मूव कर जाऊंगा. रेस्ट में नहीं रह सकता फ्लूड. टेंजेंशियल कंपोनेंट जैसे मिला फ्लूड को तो उसके चक्कर में फ्लूड रेस्ट में नहीं रहेगी, वो मूव कर जाएगी, ठीक है? और इसीलिए हमको रेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे. पहली कंडीशन है पास्कल्स का लॉ में रेस्ट होना चाहिए, तो इसीलिए रेस्ट चाहिए तो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूड इज ट्रांसमिटेड एवरीवेयर इन द फ्लूड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूड एनीवेयर कहीं पे भी फोर्स जो एक्सर्ट कर रही है फ्लूड एनीवेयर और वॉल पे भी फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वॉल एंड ईच कंपोनेंट ऑफ द फ्लूड हमेशा नॉर्मली होगी. Because any tangential component comes, the fluid is going to move. And we are talking about the condition, static condition, rest condition की बात कर रहे हो, because Pascal's law rest condition में ही लगते हैं. Fluid is at rest. ठीक है? तो इसलिए tangential component नहीं आना चाहिए. Tangential component fluid bear नहीं करती है. वो move कर जाएगी, flow कर जाएगी, motion में हो जाएगी. और फिर हमारी situation जो हम चाहते हैं कि static में बात करें, वो नहीं हो पाएगी. तो Pascal's law के लिए fluid एक rest condition में होनी चाहिए. ठीक है? इसीलिए मैं इसको ऐसे define किया. और इसको समझना है कि every point on the fluid फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूड इज नॉर्मल है ना, नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए. आप समझ चुके हो, टेंशन नहीं चाहिए, नहीं तो मोशन हो जाएगी. टेंशन चाहने चाहिए भी नहीं. तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? एक एरिया लो, डी ए डेल्टा है, और इस पर फोर्स कैसा होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूड एवरीवेयर और ऑल्सो ऑन द वॉल नॉर्मल. वॉल पे भी हो या कहीं पे भी देखोगे नॉर्मल होगी, टेंशन कॉम्पोनेंट नहीं आनी चाहिए. तो ये नॉर्मल फोर्स ले लिया डेल एफ, ठीक है? डेल एफ ले लो, डी एफ ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? या डी एफ ले लो, ये डेल डी ए ले लो. तो प्रेशर अगर डिफाइन करना है यहां से अगर प्रेशर डिफाइन करना है तो यहां से कैसे करोगे प्रेशर फिर से डिफाइन? डी एफ अपॉन डी ए और लिमिट
डीए 10 × 0 ये प्रेशर है। एक एरिया लिया सरफेस पे वॉल कंटेनर के वॉल पे और या फ्लूड पे कहीं भी ले सकते हो, उस पे अगर प्रेशर देखोगे तो फ्लूड मॉलिक्यूल जो फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी और कहीं पे भी चाहे इसके अंदर ले लो चाहे वॉल पे ले लो हमेशा नॉर्मल होगी। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन द लिमिट डीए टेंडिंग टू जीरो, एरिया जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, एरिया अगर जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो प्रेशर कहाँ डिफाइंड हो जाएगी, पॉइंट पे डिफाइंड हो जाएगी। बिकॉज एरिया जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो कहाँ पहुंच रहा हो, पॉइंट की ओर पहुंच रहा हो, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेशर इन ए फ्लूड एट ए पॉइंट। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं अलग वे से, प्रेशर इन ए फ्लूड एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आप ये पढ़ते हो तो प्रेशर इन ए फ्लूड एट ए पॉइंट, तो पॉइंट की बात कर रहे हो ना, तो देखो डीए मैंने जीरो किया तो ये पॉइंट पे पहुंच गए, एरिया जीरो हो रही है तो पॉइंट पे पहुंच गए। इसीलिए डिफाइन कैसे करते हो, प्रेशर इन ए फ्लूड एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, दस प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर हैज इनफाइनाइट डायरेक्शन। इनफाइनाइट डायरेक्शन मतलब द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अगर ये डी एरिया जीरो जाएगा तो अगर कहीं पॉइंट पर बन जाएगी क्योंकि एरिया जीरो हो रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम एवरीवेयर ऑल डायरेक्शन में। The intensity of pressure is uniform in a fluid at a point in all direction. पूरे direction पे देखोगे किसी भी direction से तो pressure की जो intensity है इस point पे वो uniform है सारे direction से, यानी कि pressure की infinite direction है, यानी कि pressure की कोई specific direction नहीं है, इसका मतलब pressure की कोई direction ही नहीं है। समझ में आ गया, ये है, इसलिए बोलते हैं कि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसलिए जब डायरेक्शन नहीं है तो फिर स्केलर बोलना पड़ेगा, वेक्टर तो बोल नहीं सकते हो, ये फिजिकली यहां से समझ में आती है। ये कैसे पता चलता है यहाँ पे कि भैया प्रेशर की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, आप कुछ नहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे चाहिए तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से देखोगे प्रेशर की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ये कैसे पता चला, कुछ नहीं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा लो, एक पिस्टन सिलेंडर का कोई अरेंजमेंट, ठीक है, स्प्रिंग लगा लो, ठीक है, यहां से इसकी प्रेशर यहां मेजर करेगा तो ये डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग की, एक्स डिफ्लेक्शन होगी और फोर्स क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, ये एफएक्स जो होगा ना, और प्रेशर क्या निकालते हो, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से फोर्स की वैल्यू पुट करोगे प्रेशर यहां से आपको निकल के आ जाएगी। तो आप हर डायरेक्शन में लगा के चेक कर लो इंस्ट्रूमेंट को, हर डायरेक्शन में लगा के चेक कर लो। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन से आपको सेम मिलेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लूड, ऐसे पता चलता है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आपको लगा के चेक कर सकते हो, नॉर्मल फिजिकली देख सकते हो, तो ऐसे बोलते हो कि प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए तो डिफाइन करते हैं कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। Pressure at a point in a fluid is same in all direction and thus it has a magnitude. That is, it has a magnitude and but not a specific direction. क्योंकि ये specific direction नहीं है इसके पास pressure की कोई, and thus it is a scalar quantity. समझ में? Physically आप ऐसे समझ रहे हो और यही सत्य है, यहीं से आप बोलोगे कि scalar है. Mathematically जो मैंने define किया सारा, वहां से आपको feeling वो नहीं आएगी कि pressure क्यों scalar है. तो ये feeling थी अपनी. आप समझ चुके हो, मैंने पास्कल्स के लॉ को अलग अलग तरीके से समझा दिया। प्रेशर प्रोपगेट्स, प्रेशर जब यहां से आपने फोर्स ऑफ एरिया लगाया, प्रेशर है, ये प्रेशर प्रोपगेट्स अनडेमिनिश्ड टू द होल फ्लूड, ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेशर प्रोपगेट कर रही है अनडेमिनिश्ड टू द होल फ्लूड, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रही है, यहां जो था पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है हर फ्लूड के इच पॉइंट पे और वॉल पे भी, सब जगह वो इक्वली ट्रांसफर हो जा रहा है। तो प्रेशर प्रोपगेट्स अनडेमिनिश्ड टू द होल फ्लूड, ठीक है, और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है किसी पॉइंट पे, फ्लूड के किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। पॉइंट पे कैसे डिफाइन किए, क्योंकि एरिया जीरो किया और फिर आपने डिफाइन करने की कोशिश की है, एरिया जीरो होगा तो आप पॉइंट पे पहुंच गए, वहां से प्रेशर डिफाइन किए। और क्यों एरिया जीरो किया मैंने, इसका भी एक रीजन है, फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे यूनिफॉर्म नहीं होगी ना तो हम लिमिट वगैरह लेते हैं, उतना मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, मैं स्ट्रेस वगैरह जब बताऊंगा या फ्लूइड मैकेनिक्स मांगो तो आपको बता दूंगा। एरिया जीरो करने की कंडीशन होती है, क्यों जीरो कर रहे हो, बिकॉज जिस एरिया पर फोर्स आपने लगाया है नॉर्मल, उस एरिया पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है फोर्स की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली होती है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती है बहुत समय,
तो आप एरिया को लिमिट लेके जीरो करते हो, और इसका मतलब डीए टेंडिंग टू जीरो, डीए टेंडिंग टू जीरो मतलब कि पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो, डीए जीरो हो रहा है उसका मतलब पॉइंट पे पहुंच गए। इसीलिए बोलते हैं प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, जब सारे डायरेक्शन सेम है तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए प्रेशर स्केलर है। फिजिकली समझ में आई हमको ये, तो ये अपनी कहानी थी, आप समझ चुके हो पूरी, मैंने बता दी हर तरीके से, मैंने बता दिया पास्कल्स के लॉ के हिसाब से, मैंने प्रूफ कर दिया ये स्टैटिक कंडीशन में है फ्लूड, और इसीलिए हम नॉर्मल फोर्स लेंगे, फ्लूड एग्जर्ट कर रही है ऑलवेज नॉर्मल फोर्स इन एवरी पॉइंट इन द फ्लूड ऑल्सो ऑन द वॉल, एंड दैट नॉर्मल फोर्स एरिया से कैसे डिवाइड करके अपने प्रेशर निकाला, टेंसिल कॉम्पोनेंट नहीं चाहिए, अगर नॉर्मल फोर्स नहीं होगा तो टेंसिल कॉम्पोनेंट आ जाएगी, अगर कोई भी फोर्स नॉर्मल के अलावा हुआ तो टेंसिल कंपोनेंट आ जाएगी, अगर टेंसिल कंपोनेंट आ गई तो टेंसिल कंपोनेंट के चक्कर में फ्लूड टेंसिल कंपोनेंट को नहीं सहेगा, वो मोशन में आ जाएगा, रेस्ट की कंडीशन नहीं रहेगी, रेस्ट की कंडीशन नहीं रहेगी तो हम जो बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्लूड में वो तो बात ही नहीं रह पाएगी, इसीलिए हम लोग नॉर्मल फोर्स ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और मैंने बहुत तरीके से पहले भी सिखाया कैसे प्रेशर को डिफाइन करना, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर इंटीरियर, सब समझ चुके हो। तो ये मेरा हो गया प्रेशर डिफाइन करने का पूरा, और भी तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ प्रेशर, घुमा फिरा कर मैं यहीं पे आऊंगा कि प्रेशर स्केलर है, फिजिकली आपको यही समझाऊंगा, मैथमेटिकली मैंने अलग से दिखाया, फिजिकल सिस्टम में आपको ऐसे समझ में आया, ठीक है। कैसे मेजर करेंगे, किसी पॉइंट पे आप लगा दो इंस्ट्रूमेंट, सारे डायरेक्शन से मेजर कर लो, आपको प्रेशर की इंटेंसिटी सेम आएगी, तो प्रेशर की इंटेंसिटी सारे डायरेक्शन में सेम है तो सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्म प्रेशर की इंटेंसिटी है, तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं, जब कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, जब डायरेक्शन ही नहीं है तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते हो वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो फिजिकली ये फील हुआ हमें कि प्रेशर एक स्केलर है, यहां से फिजिकल, मैथमेटिक्स मत देख लेना, मैथमेटिक्स से देखोगे तो ये फोर्स आपको लगेगा वेक्टर बना देना चाहिए प्रेशर को, यहां से फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग यहां से आएगी, हो गई समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा ही लिंक कर दिया, मैंने कहीं नहीं छोड़ा है कि आपको कहीं डाउट आए, तो अगली क्लास में मैं जो मैंने सिलेबस लिखा है स्टार्टिंग स्केलर की वो बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, थैंक यू, आई होप समझ में आ रही होगी सारी चीजें, और आएगी ध्यान से सुनोगे, नोट्स बनाते रहना, ये सारे जिक्र मैं प्रेशर में फ्लूड में करूंगा और डिटेल में वहां पे, ठीक है। तो अब वेक्टर से स्टार्ट करूंगा मैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम समझेंगे, इक्विलिब्रियम समझने के बाद फिर हम लोग फोर्सेस की, टू फोर्स सिस्टम, थ्री फोर्स सिस्टम की बात करूंगा, फोर्सेस की कॉलिनियर फोर्सेस, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, इस सारी फोर्सेस की बात करूंगा, उसके बाद ट्रस पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें जरूरत है, ट्रस में यूज करना है अपने को, इसलिए मैं पहले ये पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, थैंक यू।